पहला शब्द देखिए आपकी स्क्रीन के सामने जो है वो है एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब एक्स्ट्रा या एक्स्ट्रो का मतलब होता है बाहर, आउटसाइड। जैसे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक तो होता है ऑर्डिनरी सामान्य, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब आप जानते हैं सामान्य से बियॉन्ड, बियॉन्ड ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल का मतलब आपको पता है अर्थ, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है ना यानी, तो टेरेस्ट्रियल का मतलब अर्थ और एक्स्ट्रा का मतलब बाहर, तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का मतलब है आउटसाइड द अर्थ। बात समझ में आ रही है? अगला है एक्स्ट्रोवर्ट। अगर इस शब्द का संधि विच्छेद करें तो ये होगा एक्स्ट्रो प्लस वर्ट, और वर्ट शब्द जहां भी इंग्लिश में आ जाए इसका मतलब होता है टू टर्न। जैसे कन्वर्ट सुना है, कन्वर्ट सुना है, डाइवर्ट सुना है, एमबी बाइवर्ट सुना है, तो वर्ट का मतलब टू टर्न, एक्स्ट्रोवर्ट का मतलब आउटगोइंग पर्सन, जो कि किसी पार्टी की लाइफ होती है, इनको कहते हैं ना लाइफ ऑफ द पार्टी। तो देखिए दो तरह के आदमी होते हैं, एक तो होते हैं इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी। इंट्रो का मतलब होता है इनसाइड, यानी कि अंदर, जैसे इंट्रोडक्शन होता है ना आपका, इंट्रोड्यूस होता है, राइट? तो इंट्रो का मतलब इनसाइड, और वर्ट का मतलब टू टर्न, तो जिसकी भावनाएं अंदर की तरफ टर्न कर गई हैं, जिसके फीलिंग, जिसके इमोशंस इनसाइड टर्न कर गए हैं, उसको कहते हैं इंट्रोवर्ट, क्योंकि इंट्रो का मतलब अंदर और वर्ट का मतलब टू टर्न। तो हुज फीलिंग्स एंड इमोशंस आर टर्न्ड इनवर्ड, अंदर की ओर मुड़ गए, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट, जो काफी शर्मीला टाइप का व्यक्ति होता है, किसी से बात करने में भी उसको शर्म आती है। हो सकता है ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंट हो सकता है कि वो पढ़ने में होशियार हो, लेकिन अगर उसको बोला जाए कि यहां पर दो शब्द कहिए किसी टॉपिक के बारे में, तो वो झिझकेगा, उसको शर्म आएगी, उसको हेजिटेशन आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? बहुत सारे बच्चे होते हैं ना इंटेलिजेंट होते हैं पढ़ने में, लेकिन उनको यहां पर बोला जाए कि आप सामने आइए और इस सब दो शब्द कहिए इनके सामने, या फिर इस टॉपिक पे आप कुछ बोलिए, तो वही हेजिटेशन होता है। मैं कहता हूं ना इंग्लिश बोलने में जो सबसे बड़ा बैरियर है वो आपका हेजिटेशन है, वो आपकी झिझक है, वरना ज्ञान आप सबके अंदर है, क्योंकि लैंग्वेज में जितने शब्द आपको अंग्रेजी के याद होंगे उतने शायद हिंदी के भी याद नहीं होंगे। साइकिल को साइकिल ही याद है ना आपको, बाइसिकल याद है ना आप, ऐसा तो नहीं कि उसको द्विचक्र वाहिनी कहते हो, ट्रेन को ट्रेन ही बोलते हैं ना, लौपतगामी तो नहीं बोलते। तो हिंदी के बहुत कम शब्द आपको याद है, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें इस तरह गुलाम बनाया है कि सारे एक्ट वगैरह उन्हीं के ही है, कानून बनाया हुआ उन्हीं का ही है, उन्हीं की संस्कृति में हम जी रहे हैं, अपनी संस्कृति को तो भूल चुके हैं, अपनी सभ्यता को हम कोसों दूर छोड़ चुके हैं, और अंग्रेजों ने ऐसा पुल तोड़ा है, सेतु तोड़ा है सभ्यता का, कि 200 साल पुराने गैप को अब जोड़ना संभव नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इंट्रोवर्ट का मतलब क्या है? हूज फीलिंग्स आर टर्न्ड इनवर्ड। अब इनवर्ड अंतर की तरफ चली गई है तो बड़ा शर्मीला रहता है, ही कैन नॉट बी द लाइफ ऑफ द पार्टी, अलग अलग कोने में रहता है, किसी से बात नहीं करता। और एक बंदा होता है एक्स्ट्रोवर्ट, इसी का अपोजिट होता है वो, जस्ट एक्स्ट्रो का मतलब बाहर और वर्ल्ड का मतलब टर्न, तो हिज फीलिंग्स हिज इमोशंस आर टर्न्ड आउटवर्ड, बाहर की तरफ जिसके फीलिंग और इमोशंस टर्न हो गए हैं उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रोवर्ट। एक्स्ट्रोवर्ट इज द लाइफ ऑफ द पार्टी। वो अगर वहां बंदा हो कहता ना यार, वो होता तो और ज्यादा मजा आता, हम कहते हैं ना यार काश वो बंदा और होता तो ज्यादा ही मजा आया था, आनंद आया था। तो इसका मतलब क्या है? ही इज द लाइफ ऑफ द पार्टी, वो पार्टी की जान रहती है, उसको कुछ भी बोलो वो हमेशा तैयार रहता है। आप बोलो उस टॉपिक पर अपने विचार रखिए तो सबसे पहले आगे आगे वही इन काम को करेगा। आपने ऐसी पर्सनैलिटी देखी है या नहीं? तो उनको हम कहते हैं एक्स्ट्रोवर्ट। और ऐसी गुमसुम भी पर्सनैलिटी देखी है, ठीक है, पता नहीं अभी कोई मैया मरी है उसकी, अभी ऐसे आ गए, ऐसा होता है ना बिल्कुल गुमसुम सा, कोई बोलेगा नहीं कुछ, ऐसा कहते हैं ना लोग, पता नहीं कितना दुख का पहाड़ टूट गया है, कोई वाइफ मर गई है, बेटा मर गया, मतलब दारुण दुख भगवान ने जिसको दे दिया, ऐसे व्यक्ति होते हैं या नहीं? अब भले ही वो होशियार हो, भले ही वो कितने भी समृद्ध हो जाए, संपन्न हो जाए, लेकिन ये केवल आपका व्यक्तित्व का परिचय है कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्स्ट्रोवर्ट। बात समझ में आ गई?
वर्ल्ड का मतलब होता है टू टर्न, मैंने बताया जैसे कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करना, डाइवर्ट करना, इधर आया मैंने इधर मोड़ दिया, डाइवर्ट करना, वर्टेक्स होते हैं। अब आप देखिए ये चीज आपको समझ में आई, ये कहता है एक्स्ट्रा या एक्स्ट्रो का मतलब होता है बाहर, इंग्लिश में कहीं भी आ जाए। मैंने आपको बताया इंग्लिश में शब्द बहुत कम है, अभी बता रहा था मैं ब्लड रिलेशंस पढ़ाते हुए कि मामा हो, मामा हो, चाचा हो, सबको अंकल ही बोलना है, साला हो, जीजा हो, सबको ब्रदर इन लॉ ही बोलना है। तो है मूर्खों की भाषा ये, लेकिन इसमें शब्दों की बहुत ज्यादा कमी है। तो ये शब्द जहां से भी लिए गए, जिस भाषा से भी लिए गए, इनका एक पर्टिकुलर मतलब होता है, और अगर वो मतलब आपको आ जाए तो उसके आधार पर आप हजारों मीनिंगों को सेंस आउट कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा शब्द, एक्स्ट्रा शब्द कहीं भी आए इसका मतलब बाहर ही होगा। हम प्लेयर्स को रखते हैं ना एक्स्ट्रा में, यानी वो गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बाहर हैं। अगर कोई दुर्घटना घट जाती है किसी खिलाड़ी के साथ तो उनको अंदर बुलाया जाए। पहला रूट क्लियर। फैक या फैक्ट शब्द का मतलब होता है करना, बनाना या फिर करना। जैसे आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट का मतलब, आर्ट का मतलब क्या होता है, स्किल, कुछ गुण, कौशल, पर आर्टिफैक्ट का मतलब है बनाना, अपने कौशल से कुछ बनाना, अपने हुनर से कुछ बनाना। तो आर्टिफैक्ट का मतलब है एन ऑब्जेक्ट मेड बाय अ पर्सन्स स्किल, जो व्यक्ति ने खुद अपनी कलाकारी के द्वारा कोई ऑब्जेक्ट बनाया उसको कहते हैं आर्टिफैक्ट। फैक्ट्री, फैक्ट्री एक ऐसी जगह होती है जहां पर चीजें बनाई जाती है, अ प्लेस वेयर थिंग्स आर मेड। ऐसे ही मेल, एम एल ई आ जाए इसका मतलब होता है बुरा, जैसे माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन सुना है, कुपोषण, पोषण का ढंग से नहीं मिल पा रहा। तो एम एल का मतलब बुरा, फैक्ट का मतलब करना, तो पर्सन हु डज रॉन्ग, जो आदमी बुरा करता है। तो मेल फैक्ट का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बुरा करता है, दैट इज कॉल्ड मेल फैक्ट। क्लियर है भाई? तो आपने देखा कि फैक्ट शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब करना या फिर बनाना होता, कोई दिक्कत दूसरे रूप में। तीसरा रूट, एफ ई आर शब्द इंग्लिश में कहीं भी आ जाए इसका मतलब है कैरी करना, ले जाना, ब्रिंग करना। जैसे कन्फर, कन्फर का मतलब टू ब्रिंग एन ऑनर टू समवन, किसी के लिए किसी का सम्मान करना, टू ब्रिंग एन ऑनर टू समवन, किसी को सम्मान देना ही क्या कहलाता है, कन्फर। फेरी, फेरी एक बोट होती है जो कि पैसेंजर्स को ले जाने का काम करती है। एक शब्द आपने सुना होगा ट्रांसफर, इसमें दो रूट लगे हुए हैं, एक तो लगा हुआ है ट्रांस और दूसरा लगा हुआ है फर। फर का मतलब अभी आपने पढ़ा क्या, टू कैरी, ले जाना, और ट्रांस का मतलब क्या पढ़ाया था, एक जगह से दूसरी जगह, जैसे ट्रांसफर, ट्रांसपोर्ट। इसका संधि विच्छेद करें, ट्रांस, ट्रांस का मतलब एक जगह से दूसरी जगह, और पोर्ट का मतलब भी होता है टू कैरी, यानी कि ले जाना। जैसे इंपोर्ट का मतलब लाना, एक्सपोर्ट का मतलब बाहर ले जाना। पोर्टर, पोर्टर का मतलब क्या होता है, ले जाने वाला। बात समझ में आ रही है? तो पोर्ट शब्द इंग्लिश में कहीं भी आ जाए इसका मतलब भी ले जाने वाला होता है। एफईआर शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब भी कैरी करने वाला होता है। ट्रांसफर का मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने वाला। ऐसे ही फेरी, जो ऊपर आपने पढ़ा, फेरी एक बोट होती है जो कि पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करती है। ठीक है भाई, ये तीनों चारों शब्द क्लियर हैं? तो फर का मतलब ले जाना, एफ आई डी का मतलब होता है फेथ। जैसे फिड्यूशियरी सुना है आपने, जो ट्रस्टी होता है, ट्रस्ट का, ट्रस्टी का मतलब ट्रस्ट, जिसमें भरोसा रखता है वही तो ट्रस्टी बनता है। ट्रस्ट का ये क्या, उसको ट्रस्ट कोई कोई मतलब लूट खाए तो उसको कभी ट्रस्टी थोड़ी कहेंगे। तो फिड्यूशियरी का मतलब होता है ट्रस्टी, ट्रस्टी का मतलब जिस पर फेथ होता है। कन्फाइड, अगर संधि विच्छेद करें, इसमें देखिए दो रूट लगे हुए हैं, एक तो को, एक फाइड। को का मतलब होता है टू एंड टुगेदर, इकट्ठा,
यानी कि एक साथ, जैसे को एजुकेशन, लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं, कोऑपरेट, कोलैबोरेट, कोऑर्डिनेट, कोऑथर, को का मतलब साथ, पॉइंट का मतलब फेथ, तो साथ में फेथ रखने का मतलब टू प्लेस फेथ इन समवन, किसी में भरोसा रखना, टू प्लेस ट्रस्ट इन समवन, उसको हम कहते हैं कन्फाइड। फिडेलिटी, फिडेलिटी का मतलब फेथफुलनेस, फेथफुलनेस का मतलब भरोसा, तो जहां भी एफ आई डी शब्द आ जाए तो उसका मतलब फेथ से रिलेटेड होता है, श्रद्धा से रिलेटेड होता है, भरोसे से रिलेटेड होता है। बात समझ में आई? कहीं भी आ जाए, फ्लेक्ट का मतलब होता है बेंड, यानी कि मुड़ना, जैसे डिफ्लेक्ट, डी का मतलब होता है अवे फ्रॉम, दूर, जैसे डिक्रीज, डिपार्चर, ठीक है, डी का मतलब दूर, और फ्लेक्ट का मतलब क्या है, किसी चीज को हिट करने से क्या है, कोई चीज बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, कार की टक्कर हुई तो दुचक जाएगी या नहीं, तो टू बेंड कोर्स बिकॉज ऑफ हिटिंग समथिंग, टक्कर के कारण, हिट के कारण किसी चीज का मुड़ जाना, उसको कहते हैं डिफ्लेक्शन, आ जाना उसमें, या डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट, समझ में आ गया। अगला है इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन का मतलब वॉइस या पिच होती है ना, आजकल के आर्टिस्ट क्या करते हैं, वो कंप्यूटर के माध्यम से अपनी आवाज को क्या करते हैं और सुधारते हैं, जितनी अच्छी आवाज नहीं है लेकिन इन्फ्लेक्शन करके, यानी कि आवाज को थोड़ा सा बेंड करके वो क्या करते हैं, एक अच्छी आवाज पैदा करते हैं, उसमें इको दे देते हैं, ब्रास दे देते हैं, टिम्बर दे देते हैं, होते हैं ना, मिक्सर में कुछ बेस वगैरह बढ़ा देते हैं, उससे क्या है कि आपकी आवाज थोड़ी सी अच्छी लगती है, तो लोगों को लगता है कि बड़ी अच्छी आवाज है, बिल्कुल कोयल जैसी सुरील। अब वो भाई भले वो गधे जैसी आवाज हो लेकिन कंप्यूटर के आजकल सॉफ्टवेयर उसको कोयल बना देते हैं, आपकी भी कोई आवाज है तो आप उसके बैंड में परिवर्तन करके देखना, आजकल तो मोबाइल में भी सॉफ्टवेयर आते हैं, तो बड़ा आसान है बैंड में परिवर्तन करना, तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब अ बेंडिंग इन द वॉइस टोन और पिच। अगला है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब भाई वो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल का मतलब इजीली बेंडिंग, जो इजीली मोड़ सके, उसको कहते हैं फ्लेक्सिबल, ठीक है भाई, कोई परेशानी। अगला शब्द है फ्लोरा फाना, सुना है आपने, वनस्पतियां होती है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, फ्लोर या फ्लूर शब्द इंग्लिश में कहीं भी आए इसका मतलब फ्लावर से संबंधित होता है, फूलों से संबंधित होता है। फ्लोरिस्ट का संधि विच्छेद करें, भगवान जी क्लास में एक और खड़े रहो थोड़ा सा, मैं बता दूंगा। अगला शब्द है फ्लोरिस्ट, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो वो होगा एफ एल ओ आर प्लस आई एस टी, आई एस टी शब्द इंग्लिश में कहीं आ जाए इसका मतलब होता है वन हु, जो कि, जैसे साइंटिस्ट, संधि विच्छेद करो एस सी आई और टेस्ट, एस सी आई का मतलब होता है जानना, जैसे एस सी आई का मतलब क्या होता है, जानना, टू नो, और आई एस टी का मतलब वन हु, जो कि जानता है, उसको क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट। ओमनी का मतलब क्या होता है, ऑल, ओमनी, ओमनी सेंट किसको बोलते हैं, सर्वज्ञ, इसका मतलब जानना, ओमनी का मतलब सब जानता हो, इसको बोलते हैं सर्वज्ञ। ओमनी पर और भी सारे रूट है, ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब उपस्थित होना, ओमनी का मतलब जो सब जगह उपस्थित है, उसको बोलते हैं सर्वत्र। वोरस का, वी ओ आर ओ यू एस का मतलब होता है टू ईट, यानी कि खाना, तो एक तो होता है हर्बी वोरस, हर्बी का मतलब होता है हर्बल, शाकाहारी, जो घास फूस प्लांट उगा के खाते हैं वो कौन से होते हैं, शाकाहारी, तो हर्बी वोरस का मतलब शाकाहारी। कार्न का मतलब होता है मांस, तो कार्नी वोरस का मतलब खाने वाला, कार्नी वोरस का मतलब मांसाहारी, और ओमनी वोरस का मतलब सर्वहारी, जो सारी चीजें खा लेता हूं। तो एस सी आई का मतलब टू नो, आई एस टी का मतलब क्या होगा, जो कि, कहानी समझ में आ रही है, तो एफ एल ओ आर का मतलब क्या बताया मैंने, फ्लावर, और आई एस टी का मतलब जो कि, तो समवन वर्किंग विद फ्लावर्स, जो कि फ्लावर्स के साथ काम करता है। आपको बताया कि
फ्लावर्स से ही आपके सेंट वगैरह बनाए जाते हैं, और अब ऐसी भी विधि खोजी जा रही है कि जो मंदिर पर मालाएं चढ़ाई जाती हैं अनलिमिटेड फूल तोड़कर, बजाय नए फूल तोड़ के उनसे ही सेंट वगैरह या फिर खुशबू की जो सामग्री है वो बनाई जा सकती है, क्योंकि फूल तो फूल ही होते हैं, वैसे भी वो सड़ाए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट उनका निकाला जाता है, तो उसको कहते हैं फ्लोरिस्ट। किसी भी रूप में जो फ्लावर्स के साथ काम करता हो दैट इज कॉल्ड फ्लोरिस्ट। फ्लोरल, फ्लोरल का मतलब फ्लावर लाइक, फूल जैसा। फ्लोरा एंड फौना सुने, द प्लांट लाइफ ऑफ द पर्टिकुलर टाइम और एरिया, किसी निश्चित समय और एरिया के लिए जो प्लांट लाइफ होती है उसको कहते हैं फ्लोरा। आपको पता है कि फूल हर मौसम में नहीं आते किसी पे, कभी कभी वसंत छाता है, राइट, उसको हम कहते हैं फ्लोरा। आपने पढ़े ना फ्लोरा एंड फौना, जो वनस्पतियां हैं, गेटिंग माय पॉइंट, जो किसी पर्टिकुलर एरिया में होती है और पर्टिकुलर ही समय पर होती है, हर समय नहीं होती, तो देयर आर कॉल्ड फ्लोरा। कोई परेशानी, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन इन छह रूट्स में? सेंटेंस आपकी स्क्रीन के सामने है, सबको दिख रहे हैं, आप नोट कर लीजिए, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, अगर इनकरेक्ट लगता है तो करेक्ट करना है, नहीं तो फिर करेक्ट समझे। अगर कोई गलती है तो सिर्फ बतानी है वो गलती कहां है, और मैं इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं कि गलती कहां है, मैं इंटरेस्टेड हूं कि गलती क्यों है, व्हाई देयर इज अ मिस्टेक, और कहां है और क्यों। तो आपको 8 सेंटेंसेस है, मैं 2.5 मिनट का समय देता हूं, जरा करिए इनको। पहला सेंटेंस, गलत क्यों है ये जानना जरूरी है, तो बताएगा क्यों? एनीवन? हार्ड लिख दीजिए, हार्ड, ठीक है भाई। अब देखिए, समझिए मेरी बात, ये गलत है। इंग्लिश में जब आप सूत्र समझते हैं, ये आपका प्रैक्टिकल, ठीक है, मैं जो भी भाषणबाजी आपको देता हूं ना उसी में सारा कुछ आपको हल मिलेगा, तो कोई तो फिर ख्वाबों में खोता रहता है घर पे क्या हो रहा होगा, तो इसीलिए मानसिक रूप से आपका यहाँ प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर मेरा एक एक शब्द तुम्हारे दिमाग में गूंजा, तो ये 2006 से जो अनुभव मैंने लिया एयरफोर्स से वो सारा कुछ आपको काम आए, और मैं करा सारी चीजें चुका हूं, और तभी भी आप इसको गलत बता रहे हैं। अब 3-4 चीजें मेरी दिमाग में रखें, मैंने इंग्लिश में कहा कि कोई सूत्र काम नहीं करता पूरी इंग्लिश में, क्या काम करता है? भाव। सेंटेंस का भाव क्या है इसी पर तो मीनिंग का मतलब टिका रहता है, और इसी पर ग्रामर का स्ट्रक्चर टिका है। मैंने आपको बताया सी का मतलब देखना भी होता है, मिलना भी होता है, लेकिन आप किस परिपेक्ष में और किस तरह से सेंटेंस में प्रयोग कर रहे हैं डिपेंड ये करेगा कि सी का मतलब क्या होगा। आई हैव अ पेन, हैव का मतलब रखना भी होता है, राइट, और हैव का मतलब खाना भी होता है, आश्चर्य तो नहीं हो रहा? आई एम हैविंग माई फूड, मैं अपना खाना खा रहा हूं। आई एम सींग द प्रेसिडेंट एट 3 PM, यानी 3 बजे मैं प्रधानमंत्री से मिलूंगा, देखूंगा नहीं, तो मीनिंग भी गड़बड़ा जाती है। भाव क्या? यूजेस, टीम के संग एज भी आएगा, आर भी आएगा, बताया था, अगर टीम इकट्ठा काम कर रही है, एकजुट होकर काम कर रही है, एक यूनिट की तरह काम कर रही है, तो टीम इज प्लेइंग वेल। लेकिन अलग अलग ट्रेनों से आ रही है, अगर टीम मेंबर्स की बात हो रही है तो टीम आर, मैं क्या कहूंगा, टीम आर कमिंग बाई डिफरेंट ट्रेन्स। कमेटी के संग वाच भी आ सकता है, वर्ब भी आ सकता है, जितने भी ग्रामर के स्ट्रक्चर्स हैं वो भाव पर डिपेंड करते हैं कि सेंटेंस का भाव क्या होगा। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले पूरे सेंटेंस को पढ़िए और मनन करिए कि भाव क्या है। भाव ये है, सी वॉज सो क्वाइट, वो इतना शांत थी कि मैं उसको नहीं देख सका या नहीं नोटिस कर सका, यही तो है। और मैंने देखिए सूत्र आपको क्या कराया, हार्ड का मतलब होता है डेलीजेंटली, कराया था, और डेलीजेंटली का मतलब होता है बड़ी कठिनता से, बड़ी मेहनत से, बड़े परिश्रम से। और इस हार्ड की क्या खासियत है, इसका मतलब डेलीजेंटली होता है और एंड इट फॉलोज द वर्ब, और ये क्या करती है, ये हमेशा वर्ब को फॉलो करती है, फॉलो करने का मतलब वर्ब के बाद आता है, जैसे कि He worked hard to make both ends meet. तो ये verb, ये क्या है verb और ये क्या है hard. तो ध्यान रखना, hard का मतलब होता है बड़ी कठिनता से, उसने इतना कठिन परिश्रम किया
अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो ये क्या करती है, वर्ब के बाद आती है, इसका मतलब होता है डेलिजेंटली। पहला सूत्र समझ में आया। और फिर मैंने आपको बताया कि हार्ड का मतलब तो बड़ी कठिनाई से, बड़ी मेहनत से, लेकिन हार्डली का और स्केर्सली का एडवर्ब के रूप में नेगेटिव मीनिंग होता है। नेगेटिव मीनिंग होता है तो इंग्लिश में यह सिद्धांत है कि पहली चीज तो डबल नेगेटिव्स नहीं चलते, डबल नेगेटिव्स इंग्लिश में अलाउड नहीं है, पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन में इंग्लिश में अलाउड नहीं है। तो बच्चों पहली चीज तो मैंने कैपिटल लेटर्स में आपको बताया था, डू नॉट यूज नॉट विद देम, क्योंकि इनका खुद का ही मतलब नेगेटिव होता है, तो इनके साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं कर, ठीक है भाई। अब सेंटेंस का भाव समझिए, वो इतना शांत थी कि मैं उसको नोटिस नहीं कर सका, तो नहीं नॉट की जरूरत तो नहीं है, हार्डली का मतलब ही नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही है। बताइए भाई, वो इतना शांत थी कि वह उसे नोटिस नहीं कर सका। आप कहेंगे सर नॉट तो आ नहीं रहा, लेकिन हार्डली का मतलब ही नॉट। क्लियर, कोई परेशानी? अगला सेंटेंस देखें, क्यों गलत है ये समझ, क्यों सही है ये समझ में आ गया, और क्यों गलत है ये भी समझ में आना चाहिए। दूसरा गलत है, क्यों? मेरा मित्र केवल 10,000 रुपए उधार लेना चाहता है। मैंने सूत्र बताया था आपके कानों में दोबारा से गूंजे, इन ऑर्डर टू मेक आवर मीनिंग क्लियर इन अ सेंटेंस एन एडवर्ब मस्ट बी प्लेस्ड एज नियर एज पॉसिबल टू द वर्ड इट मॉडिफाइज, यानी सेंटेंस में अपना मतलब सुस्पष्ट करने के लिए एडवर्ब को हमेशा उस शब्द के पास लगाते हैं जिसका ये मॉडिफिकेशन करती है, जिसमें ये चार चांद लगाती है। एडवर्ब कौन सी, ओनली, चार चांद किसमें लगा रही है, मात्र 10,000 रुपए चाहिए, तो ये मात्र कहां आना चाहिए, 10,000 के पास, तो ओनली यहां नहीं आएगा। कितने पैसे चाहिए, मात्र 10,000, तो ओनली कहां आएगा, यहां। मेरे फ्रेंड को मात्र 10,000 रुपए चाहिए, तो ओनली कहां आएगा, 10,000 से पहले, क्योंकि ओनली किसमें चार चांद लगा रहा है, 10,000। तो एडवर्ब जिस शब्द में चार चांद लगाती है या जिस शब्द को मॉडिफाई करती है हमेशा उससे पहले। इस बिल्डिंग की कॉस्ट लगभग 60,000 रुपए है, कराया था मैंने सेंटेंस, दिस बिल्डिंग नियरली कॉस्ट 60,000 रुपीज। क्या ये सेंटेंस सही है? पूरी तरीके से गलत है। केवल कहां आएगा, लगभग कहां आएगा, 60,000 से पहले, क्योंकि ये लगभग 60,000 को मॉडिफाई, एडवर्ब को कहां लगाते हैं, उस शब्द से पहले जिसका ये मॉडिफिकेशन करती है, जिसमें ये चार चांद लगाते हैं। एडजेक्टिव एडवर्ब केवल चार चांद लगाने का काम करते हैं, वर्ब की, एडजेक्टिव की या दूसरी एडवर्ब की खूबसूरती बढ़ाने का काम। आगे बढ़े, तो दूसरा गलत क्यों है और कहां सही होगा समझ में आ गया। अगला ही वर्ड हार्डली, हार्डली का मतलब उसने कठिन परिश्रम किया ही नहीं, बड़े ही वर्ड हार्डली फॉर द एग्जामिनेशन इन गॉड द फर्स्ट डिविजन, उसने एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल परिश्रम किया नहीं और पहला स्थान आ गया, हो सकता है कि। तो हार्डली का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, यहां पर आना क्या चाहिए, हार्ड। हार्ड का मतलब होता है डेलिजेंटली, बड़ी कठिनाई से, बड़ी परिश्रम किया, तब जाके फर्स्ट डिविजन प्राप्त। कोई परेशानी? ओनली 10,000 रुपीज, केवल 10,000 रुपए चाहिए, केवल कहा आएगा, 10,000 से पहले तो आएगा, भैया 10,000 रुपीज एक ही शब्द है, इसको तोड़ नहीं सकते, मतलब एक ही फ्रेज है, 10,000 रुपए भैया, आप तोड़ दोगे क्या, 10,000 केवल रुपए, ऐसे मानते हो क्या? नहीं, रुपीज पहले लिखा जाता, आप कहीं भी देखेंगे लिखा जाता ना RS, कोई फॉर्म भरते हैं 200 रुपए का ड्राफ्ट, RS 200, उसके पीछे रुपीज लिखने की जरूरत नहीं है, पहले लिखा जाता। हाँ भाई, आगे बढ़े, एक और मैंने बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र बताया था, वेरी गुड।
हार्डली और स्केर्सली के संदर्भ में, हार्डली और स्केर्सली के बाद हमेशा वेन आता है और देन नहीं आता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है, और नो सूनर के बाद जितने स्टार लगा सके लगा लेना है सूत्र में, हमेशा देन आता है और वेन कभी नहीं, जितने स्टार चाहिए लगा लो मन से अपने। तो देखिए, द जज हार्डली एंटर्ड द कोर्ट रूम व्हेन द एडवोकेट स्टूड अप एंड ग्रीटेड। तो भैया देखो, हार्डली आ रहा है ना, तो यहां देन नहीं आएगा, क्या आएगा? वेन आएगा, क्योंकि हार्डली के साथ वेन आता है, देन कभी नहीं। सूत्र समझ में आया? अगला देखिए, नो सूनर के साथ, अगले में नो सूनर वाला है, नो सूनर के बाद देन आता है और वेन कभी नहीं। बताइए, दोनों सेंटेंस मिल गए दोनों सूत्रों पे, कोई परेशानी? अगला देखिए, कंप्लीट कहेगा, कंप्लीट ऑफ मेसनरी कहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कोई? देखो बच्चों, कल मैंने आपको बताया था स्प्लिट इन्फिनिटिव, ध्यान है, इन्फिनिटिव इंग्लिश में किसको कहते हैं? टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और इस स्ट्रक्चर को इंग्लिश में इन्फिनिटिव बोला जाता है। टू गो, टू रन, टू जंप, टू किल, टू टेक, सब। और स्प्लिट का मतलब है तोड़ना। मैंने एक ऐसा एसी का एग्जाम्पल दिया था, इसको हम बोलते हैं स्प्लिट एसी। उसका कारण क्या है? ठंडी हवा तो ये फेंक रहा है और इसके काट के ऊपर जो जा रही है पाइप, वो गर्म हवा फेंक रही है। तो स्प्लिट का मतलब इस एसी को तोड़ दिया गया। एक आता है विंडो एसी, उसको तो स्प्लिट नहीं बोलते, विंडो का मतलब पीछे से गर्म निकलेगी, आगे से ठंडी निकलेगी, लेकिन इसको तो तोड़ दिया ना, गर्म फेंकने वाला अलग, ठंडी फेंकने वाला अलग। तो स्प्लिट का मतलब क्या होता है? तोड़। आपने स्प्लिट वैसे भी पढ़ा होगा, एटम स्प्लिट हो गया तीन चीजों में, तो स्प्लिट का मतलब टूट। ठीक है, तो स्प्लिट इन्फिनिटिव का मतलब क्या है? इन्फिनिटिव होता है टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इन्फिनिटिव को ये कभी भी एडवर्ब नहीं तोड़ती। नहीं तोड़ने का मतलब टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में एडवर्ब कभी नहीं आती। अगर सेंटेंस में कोई एडवर्ब है और इन्फिनिटिव आ रहा है तो ये इसको नहीं तोड़ेगी, इसके बीच में नहीं आएगी, आएगी सेंटेंस के अंदर। जैसे दे refused to do the work quickly. अब देखिए, to do क्या है? Infinitive, और quickly हमने कहां लगाया? Adverb sentence के अंत। I hope I'm clear with this. ऐसे ही they wanted to carefully repeat the experiment. वो बड़े ध्यानपूर्वक इस प्रयोग को दोहराना चाहते हैं। तो देखिए, टू और रिपीट के बीच में केयरफुली आया, जो कि संभव नहीं है। तो क्या आएगा? डू नॉट ट्राई टू रिपीट द एक्सपेरिमेंट केयरफुली। क्लियर है भाई? अब हम सेंटेंस पे आ जाते हैं। सेंटेंस क्या है? डू नॉट ट्राई टू कंप्लीटली फिनिश। टू और फिनिश के बीच में एडवर्ब घुस रही है, हटाओ इसे। क्या आएगा? डू नॉट ट्राई टू फिनिश योर होमवर्क कंप्लीटली बिफोर लंच। अब सही हो, कोई परेशानी भाई, कोई दिक्कत? अगला सेंटेंस देखिए, ऑलवेज क्या है? एडवर्ब। मैंने कहा था सब्जेक्ट वर्ब के बीच में कुछ नहीं होगा, तो एडवर्ब लगा लो, ही ऑलवेज कम्स लेट। अगर ऑक्सिलरी इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड आ रही है तो उनके बाद लगाइए। तो क्या आएगा? ही इज ऑलवेज एट होम ऑन संडे। संडे को वो हमेशा घर पे ही। ठीक है भाई, अगला देखिए, टीचर वॉन्टेड टू नो पॉजिटिवली वेदर और नॉट द स्टूडेंट कुड कम टू द पिकनिक। टूनों को तो नहीं तोड़ा ना पॉजिटिवली ने, तो सेंटेंस सही है। बताओ भाई, कोई दिक्कत? टूनों क्या है? इन्फिनिटिव है, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है,
इसके बीच में पॉजिटिवली नहीं आया, पॉजिटिवली सबसे बाद में आया, इसीलिए द सेंटेंस इज परफेक्टली करेक्ट, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन। ठीक है भाई, ये सारी गलतियां थी एडवर्ब्स की। एडवर्ब के बारे में मैंने आपको क्या बताया, ये ऐसे शब्द हैं जो चार चांद लगाने का काम करते हैं एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव किसमें चार चांद लगाते हैं? नाउन में, प्रोनाउन में। जैसे ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है, अच्छा शब्द क्या कर रहा है, ही की विशेषता बता रहा है, पर ही क्या प्रोनाउन, तो वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन में चार चांद लगाते हैं उनको एडजेक्टिव बोला जाता है। गुड क्या है? एडजेक्टिव। और ऐसे शब्द जो एडजेक्टिव में भी चार चांद लगा दे उनको एडवर्ब बोला जाता है, वर्ब में भी चार चांद लगा दे उनको, दूसरी एडवर्ब में चार चांद लगा दे, जैसे ही इज वेरी गुड बॉय, बहुत अच्छा लड़का, अच्छा नहीं, अच्छा तो हुआ एडजेक्टिव, लेकिन बहुत शब्द क्या कर रहा है, अच्छे में चार चांद लगा रहा है, नहीं लगा रहा, तो बहुत क्या हुआ। हॉर्स रन्स क्विकली, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो उसके दौड़ने में वर्ब में चार चांद लग रही है ना, क्विकली क्या कर रहा है, तेज, तेज क्या कर रहा है, दौड़ने में चार चांद लगा रहा है, लेकिन अगर मैं कहता हूं घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, हॉर्स रन्स वेरी क्विकली, तो बहुत जो शब्द है वो क्विकली में चार चांद लगा रहा है, तो दूसरी एडवर्ब मौजूद है उसमें भी चार चांद लगा देती है, या वर्ब में चार चांद लगा देती है। और मैंने कहा था इनके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं दिए जा सकते, एडवर्ब का कहां प्रयोग होगा ये सेंटेंस के भाव पर डिपेंड करता है। वो कम क्लियर था दिस? हाँ भाई, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक अब आएगा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। और मैं इंग्लिश में पहले बता रहा हूं, एक सूत्र बताऊंगा, पांच अपवाद बताऊंगा, और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड ये पूरा पार्ट किसका है, वर्ब का है। जैसे कि मैं एक सूत्र आपको बताऊंगा कि अगर हमारे दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ते हैं तो प्लूरल हो जाते नहीं, जैसे कि राम एंड, यहां पे क्या आएगा, एस एच वाई एम, आर गुड फ्रेंड्स। अब भैया अगर दो सिंगुलर नाउन थे हमारे एन वन और एन टू, ये एंड से जुड़े और प्लूरल हो गए, इसीलिए मैंने प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया। सूत्र नंबर एक समझ में आएगा। अब चार अपवाद समझ, अगर एक ही व्यक्ति के पास दो पोस्ट हो, मैं यहां का मैनेजर हूं, मैं यहां का डायरेक्टर हूं, दो पोस्ट एक ही बंदे के पास है, तो हम सिंगुलर का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द मैनेजर एंड डायरेक्टर, और क्या होगा, इज डूइंग हिज ड्यूटी। बात समझ में आई है? नहीं। अब आप कहेंगे सर यहां भी तो ये दोनों सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ रहे हैं, पहला वाला रूल कहां गया? वो देखिए कहां गया, अगर हाँ अपने ज्ञान तंतु शांत रखें, अगर एक नाउन से पहले आर्टिकल आ रहा है और दूसरे नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आ रहा, इसका मतलब एक ही व्यक्ति है जिसके पास दो पद है, जिसके पास दो पोस्ट है, वही मैनेजर है, वही डायरेक्टर है, एक ही व्यक्ति है, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब आएगी और प्रोनाउन भी हमारा कैसा रहेगा, सिंगुलर नंबर में। और अगर दोनों के आगे दो लगा दें, दोनों के आगे हम द लगा दें, जैसे कि द मैनेजर एंड द डायरेक्टर, तो आप देखिए जरा, बात नहीं, बिल्कुल घुसफुसाहट नहीं, मेरी बात आप तक नहीं पहुंच पाएगी ये फालतू के चक्कर में। एन वन एन टू ये दोनों हमारे जुड़ रहे हैं, अगर एक से पहले आर्टिकल आता तो एक ही आदमी था, लेकिन अगर दोनों से पहले आर्टिकल आ रहा है तो दो अलग अलग आदमी है, अलग अलग आदमी है, तो यहां पे क्या आएगा, आर डूइंग देयर ड्यूटी, यानी कौन सा सूत्र पहला प्रयोग होगा, पहला वाला, तो यानी प्लूरल वर्ब आएगा और प्रोनाउन भी हमेशा प्लूरल नंबर में ही रहेगा। बताइए भाई, दूसरा सूत्र समझ में आया? तीसरा सूत्र और समझिए, अगर हमारे दो नाउन एंड से जुड़ रहे हैं, इफ दे रिप्रेजेंट द सेम आइडिया, सेम आइडिया का मतलब है वो एक ही भाव की बात करें, एक ही आइडिया की बात करें,
जैसे अगर हमारे दो नाउन एंड से जुड़े एंड दे रिप्रेजेंट द सेम आइडिया, एक ही आइडिया की बात करें, जैसे ब्रेड एंड बटर, इज गुड फॉर ब्रेकफास्ट, अभी भी दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ रहे हैं भाई, और यहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो रहा है प्लूरल करें। राइस एंड करी, कड़ी चावल, छाछ दलिया, ये सब क्या है, पूड़ी कचौड़ी, सॉरी पूड़ी और सब्जी, ठीक है, और क्या होता है, कचौड़ी, जले, कचौड़ी जलेबी, गेटिंग माय पॉइंट। बट जब, होल्ड योर हॉर्सेस, जब हमारे दो नाउन सेम आइडिया को एक्सप्लेन करें तो वर्ब क्या होती है, सिंगुलर, ठीक है, दही जलेबी सही हो गए, दही जलेबी, रबड़ी जलेबी, दोनों मीठी चीज खाओगे, मैंने नहीं सुनी, अगर सुनी, अगर फेमस है तो वो भी लगा सकते, ठीक है, दही बल्ला, छोले कुलचे, छोले भटूरे, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, होल्ड, होल्ड योर हॉर्सेस, सेम आइडिया को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसीलिए यहां पर सिंगुलर वर्ड। या फिर अगर हमारे दो नाउन एंड से जुड़े, अब समझिएगा मैं क्या बताने वाला हूं, क्योंकि आगे याद आएगा, जब सेंटेंस आएगा तो गड़बड़ा जाओगे, फिर आप कुछ का कुछ बोलो। अगर ये शब्द तुमने सुने, नेम से इतर कोई चीज नहीं जा सकती है, और नेम भाई मैं आपको बोल के ही बताता हूं, तो अगर यहां है तो कानों से अनुग्रहित कर लेंगे, नहीं तो ऊपर से निकल जाएंगे, सेंटेंस में झूलते रहोगे। ध्यान से सुनना, अगर हमारे दो नाउन एंड से जुड़ते हैं, और ये कैसे नाउन है, इफ दे आर प्रैक्टिकल सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, अगर वो एक दूसरे के व्यवहारिक पर्यायवाची हैं, एक तो पर्यायवाची होते हैं भाई, अब प्रैक्टिकल सिनोनिम्स क्या है, जैसे सुख, सुख का अपोजिट क्या होगा, दुख, शांति, अशांति, शांति के पर्यायवाची क्या हो सकते हैं, सेम शब्द, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, ये सब शांति के ही पर्यायवाची तो है, शांति है तभी तो आप खुश रहेंगे, पता चली करोड़ों रुपए कमा लिए और सोने के लिए तुम टेबलेट का इस्तेमाल करते हो, चार नींद की गोली खाई तब नींद आती है। एक मजदूर क्या करता है, दिन रात मेहनत करता है, वो क्या कमाता है, वो नींद कमाता है, उसको आप भले ही कंकड़ पे, पत्थरों पे, बजरी पे सुला दो, उसको इतनी बढ़िया नींद आएगी ना, कैसा भी खिला दो उसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी, खाते ही सोएगा वो। और खरबपतियों का क्या होता है, जिनके हजारों करोड़ लाखों करोड़ के बिजनेस चल रहे हैं, वो बेचारे दवाई खा खा के सो रहे हैं कि किसी तरह नींद आ जाए, क्योंकि दिमाग में इतनी फिजूल बातें भरी पड़ी हैं कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता, डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं, डॉक्टरों को और धनवान बनाते हैं, लेकिन गरीब आदमी को डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं, बुखार आया, अरे कुछ नहीं, एक टेबलेट ले आई रुपए की, उससे मस्त हो जाता, तो वो नींद कमाता है। सुख अगर किसी व्यक्ति को चाहिए तो इसका समृद्धि और सुख का पैसों से कोई तात्पर्य नहीं, हम कितने सुख में रहते हैं ये मानसिक विषय है, अगर हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है तो हम सुखी नहीं रह सकते। और कभी लाओत्से ने एक बोला था चाइना के, कि रोगों का कारण फिजिकल कम और मानसिक ज्यादा है, और देखिए 21वीं सदी में उसकी बात सटीक हो गई है, आजकल सबसे ज्यादा डेथ जिन रोगों से हो रही है उनके कारण मानसिक है, शारीरिक नहीं, हार्ट अटैक हुआ, बीपी हुआ, शुगर हुआ, इन्हीं से तो मर रही है दुनिया ज्यादातर, शुगर है वो धीरे धीरे स्लो पॉइजन है, आपको मारती रहेगी, वो केवल किसके कारण, वो दिमाग के कारण, दिमाग में टेंशन है तो वो हमारे बॉडी पार्ट्स को खराब करना स्टार्ट कर देता है। ये मानव जीवन की सबसे अनुपम कृति है कि आपको दिमाग मिला है, पशुओं को दिमाग नहीं, इसीलिए पशु ऐसे ही जीते हैं, ऐसे ही मर जाते हैं, लेकिन मनुष्य ने विकास के उत्तुंग शिखरों को छुआ है, चांद पर नजर पड़ गई वहां पहुंच गया, पर्वतों पर नजर पड़ गई वहां पहुंच गया, समुद्र पे आए पुल बना दिए समुद्र पे, समुद्र को जीत लिया, पर्वतों को जीत लिया, पहाड़ों को जीत लिया, चंद्रमा को जीत लिया, सूर्य पर नजर पड़ गई, हो सकता है उसको भी हम जीत लें, मंगल ग्रह पर पहुंच गया, कभी कहीं पहुंच गया, जहां उसकी नजर पड़ रही है उससे खतरनाक कोई आदमी नहीं, क्योंकि उसके पास दिमाग है।
तो दिमाग से उत्तरंग शिखरों को भी स्पर्श किया जा सकता है, और दिमाग से आप देखते हैं कितनी आत्महत्याएं होती। सुशांत सिंह राजपूत लोगों की नजर में हीरो थे, क्यों थे ये मैं नहीं जानता, आप लोग जानते होंगे, क्योंकि नर्तकों को और इन कलाकारों को चढ़ाना सब आप लोगों का ही खेल है, लोग भगवान मानते थे उसको। मतलब 50 60 100 करोड़ होने के बावजूद अकाउंट में 60 70 करोड़ तो उसके अकाउंट में पड़ा हुआ था, तब बंदा फांसी लटक के मर गया। और पूरे साल भर टीवी वालों ने गुमराह किया, देखो साहब सुशांत मर्डर में इसका कुछ नहीं है, गंजड़ी था, गांजा पी के मर गया, खत्म खेल। मतलब ओपन एंड शट केस था, लेकिन आप सोचिए ये मानसिकता है या नहीं, क्या इसका कुछ पैसे से संबंध है, क्या शांति का पैसे से संबंध है। अब आप सोच रहे होंगे हम तुम पर 100 करोड़ आ जाए तो हम तो एयरफोर्स की जॉब भी ना करें, सोचेंगे ना ब्याज इतनी आ रही है कौन एयरफोर्स के भाई मूड मारेगा, खाम खांगे पीटी परेड ये वो, सोच रहे या नहीं, एक भी नहीं होगा तुम पैसे फिर देशभक्त सारा देशभक्त बना निकल जाएगा, राहुल गांधी क्यों नहीं चला जाता फौज में, जो पैसे वाले हैं क्यों नहीं चले जाते, ये वो लोग हैं देशभक्ति तो है ही, लेकिन हमारा स्वार्थ भी जुड़ा हुआ है कि वहां पे पेमेंट बड़ा अच्छा मिलेगा। अगर आपको सरकारी ही जॉब करनी है तो 12th के बाद इससे अच्छी कोई जॉब नहीं है, तुम्हें 50-60 हजार रुपए दे रही है, खाना उसका पीना उसका रहना उसका, 3 महीने घर का खाना छुट्टियों में खाओ तो उसके भी पैसे पकड़ोगे। कहां रह रहे हो, बेंगलोर में रह रहे हो, IIT से कोई बंदा गया बेंगलोर में कमरा ही 30-40 हजार रुपए का मिलेगा, 50 हजार की सैलरी पे गया कितना कमा रहा है, 10-20-30। लेकिन आपको सारा इतने VIP एरिया में आपको रहने के लिए मिलेगा, फील्ड है वहां, ओपन एरिया है, कितने होते हैं डिफेंस के पता है। तो ये जो सुविधाएं हैं, कैंटीन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, किसी को हो जाए लाखों रुपए कौन खर्च करेगा, फ्री में सब चल रहा है, इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में चल रहा है, तो ये सुविधाएं एसोसिएटेड है या नहीं आपके लक्ष्य के निर्धारण में, ये भी है। तो ध्यान रखना सुख का संबंध किससे है, शांति से। जो व्यक्ति शांति में होगा, इसीलिए हमारे महर्षियों ने हमारे धर्म में शांति को ज्यादा जोर दिया, शांति पर ज्यादा जोर दिया, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति शांत होगा तो उसकी प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति जैसे अग्रसर होगी, वैसे वैसे उसके जीवन में समृद्धि और सुख भी आता है। तो मैं कहूंगा सुख है तभी तो समृद्धि हो सकती है। तो मैं कहूंगा व्यवहारिक ज्ञान अगर मैं आपको दूं तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, मैं नहीं कहता कि एक दूसरे के पर्यायवाची है, लेकिन व्यवहारिक पर्यायवाची है या नहीं। अगर आप शांति में नहीं है तो क्या प्रोग्रेस कर सकते हैं, क्या समृद्ध हो सकते हैं, नहीं। अशांति में तुम किसी को एम्प्लॉय को थप्पड़ मारोगे, एम्प्लॉय को तू मुझ में मार रहा है, ये भी संविधान है मैं भी तुझे मार रहा हूं, लड़ाई हो गई दोनों पुलिस के पास गए, बिजनेस तो आप चौपट पड़ा हुआ। तो अगर जब तक शांति नहीं है समृद्धि का तो सोच ही नहीं सकता आदमी। तो शांति और समृद्धि ये क्या है, एक दूसरे के व्यवहारिक पर्यायवाची है या नहीं। और जब हमारे दो नाउन एंड से जुड़े और एक दूसरे के व्यवहारिक पर्यायवाची हो, एक दूसरे के प्रैक्टिकल सिनोनिम्स हो, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इज द नीड ऑफ द आवर। शांति और समृद्धि ही आज की डिमांड है, नहीं तो कोरोना चल रहा है, क्या शांत है, खुद तो शांत है नहीं, दूसरों को और अशांत कर रहे हैं। चाइना ने पूरी दुनिया को क्या गिफ्ट दिया है, इससे कि आर्थिक रूप से सब नष्ट हो जाएंगे, जॉब वॉब सब चली जाएंगी, आदमी एक दूसरे से दूर रहेंगे, भैया इकोनॉमी तो तब बढ़ेगी ना जब एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे से बिजनेस करेंगे, बढ़ेगा तभी तो इकोनॉमी बूस्ट होगी। आदमी अगर घरों में बैठा रहेगा, एक्टिविटीज नहीं बढ़ेंगी, तो इकोनॉमी तो बिल्कुल गड्ढे में चली जाएगी। तो आज व्यक्ति ने ऐसे हथियार तैयार कर लिए, और चाइना जैसा और तो और छोड़ो, मानवों की तो बात छोड़ो, मानवों से ज्यादा तो इस पृथ्वी पर जीव रहते हैं, 2-2 किलोमीटर पृथ्वी के अंदर माइक्रोब्स रहते हैं, मैंने बताया था शायद आप, 2-2 किलोमीटर गड्ढा खोदो नीचे जाओ माइक्रोब्स आपको मिलेंगे, वो जीव है जो कि पृथ्वी के अंदर रहते हैं, उनको बोला जाता है माइक्रोब्स। तो कितने जीव जंतु पक्षी पेड़ पौधे इस दुनिया में, समुद्र के नीचे पूरी की पूरी वनस्पतियां और पेड़ पौधे बसे हुए हैं, 3/4 पे तो समुद्र ही है, लेकिन हमने अपने क्रियाकलापों से 1/4 25% जगह पर रहने वाले लोग इस पृथ्वी के 25% पे ही तो रहते, 25 पे भी नहीं रहते, बहुत सारे हिमालय वगैरह वहां पर कौन रहता है, वहां बर्फ है वहां कौन रहता है, हम 10% जगह को घेरने वाले प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। चाइना ने क्या किया है, अमोनिया जहाज जाते हैं उसके बादल पर छिड़क देते हैं, कृत्रिम वर्षा हो जाती है, बादल अपने आप पानी को होल्ड नहीं कर पाता,
अमोनिया उसमें छिड़क देंगे, आप अमोनिया का छिड़काव कर देंगे तो बादल पानी को होल्ड नहीं कर पाएगा और क्या करेगा, बारिश कर देगा, तो वहां बारिश हो रही है। तो प्रकृति का यह क्रम है कि प्रकृति हमेशा संतुलन चाहती है, एक तरफ सूखा है तो एक तरफ बारिश है, ऐसा नहीं हो सकता आज यहां बरसी है तो कल वहां बरसेगी, लेकिन चाइना क्या कर रहा है और क्षेत्रों में तो सूखा हो जाएगा, वो बादल कहीं और जाने थे, तूने अपने यहां रोक के बारिश कर ली, अगर हम ये सब कर ले करते रहे तो क्या हम प्राकृतिक क्रम को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, पूरी तरीके से पहुंचा रहे। तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इज द नीड ऑफ द आवर, पीस और प्रॉस्पेरिटी कैसे एक दूसरे के व्यवहारिक पर्यायवाची है ये समझ में आया, ऐसे ही लॉ एंड ऑर्डर, भाई इस समाज से आप कुछ भी हटा लो, कुछ भी हटा लो, बाढ़ में नहीं आर्थिक व्यवस्था, गरीब हो जाए बेरोजगार हो जाए, लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर इस दुनिया से हटा लिया जाए, इस समाज से हटा लिया जाए, तो इस समाज रहने लायक नहीं रहे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो बताओ समाज में कितनी अराजकता आ जाएगी अगर कानून का डर ना हो। तो कानून है तभी तो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही, क्या कानून और व्यवस्था एक दूसरे के पूरक नहीं है, एक दूसरे के व्यवहारिक पर्यायवाची नहीं है, और अगर व्यवहारिक पर्यायवाची है तो वहां क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब, तो ये आएगा लॉ एंड ऑर्डर, सिचुएशन इज वेरी बैड, आई होप आई एम क्लियर। तो मैं क्या ये बताने में आपको सफल हुआ हूं कि लॉ और ऑर्डर एक दूसरे के कैसे व्यवहारिक पर्यायवाची, लॉ एंड ऑर्डर, अगर कानून है तभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकती हैं, अगर कानून नहीं है तो आप व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से नहीं चला सकते, ये बात समझ में आ रही है। तो एक तो सूत्र बताया, अब इसके अपवाद कितने बहुत सारे हैं, तो हर सेंटेंस को आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि इसका सेंस क्या निकल रहा है, और सेंस के हिसाब से आपको रूल देना है, क्योंकि मैंने रूल क्या बताया, अगर दो शब्द एक दूसरे के व्यवहारिक पर्यायवाची हैं सिंगुलर वर्ब, अगर प्रैक्टिकल सिनोनिम है सिंगुलर वर्ब, अगर सेम आइडिया को एक्सप्लेन कर रहे हैं सिंगुलर वर्ब, अगर एक से पहले दा आ रहा है दूसरे से पहले नहीं आ रहा सिंगुलर वर्ब, और अगर दोनों से पहले दा आ रहा है तो प्लूरल वर्ब, दोनों नाउन एंड से जुड़ रहे हैं तो प्लूरल वर्ब, इसके आगे की चर्चा मैं आपसे करता हूं। इंग्लिश में आज के लिए इतना ही, मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस निकालिए।